अमेरिकी सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग, चीन की जमकर लगाई क्लास। अमेरिकी सांसदों जेफ मर्कली और बिल हेगर्टी ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने इससे संबंधित द्विदलीय विधेयक भी पेश किया है, जिसमें पीआरसी सरकार की जमकर निंदा की गई है। ओरेगॉन के सीनेटर जेफ मर्कली ने एक प्रेस बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सीनेटरों ने एक द्विदलीय सीनेट प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अमेरिका द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने की पुष्टि की गई है। 6 वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच संघर्ष के बाद आने वाले द्विदलीय सीनेट प्रस्ताव को पेश करने के लिए मर्कली ने सीनेटर बिल हेगर्टी के साथ मिलकर काम किया। चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले सीनेटर मर्कली ने कहा, स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले अमेरिका के मूल्य और एक नियम आधारित आदेश दुनिया भर में हमारे सभी कार्यों और संबंधों के केंद्र में होना चाहिए। विशेष रूप से पीआरसी सरकार एक वैकल्पिक दृष्टि को आगे बढ़ाती है। मर्कली ने कहा, यह संकल्प स्पष्ट करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्य को भारत गणराज्य के हिस्से के रूप में देखता है, चीन के जनवादी गणराज्य के रूप में नहीं, और समान विचारधारा वाले अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और दाताओं के साथ साथ क्षेत्र को समर्थन और सहायता को गहरा करने के लिए अमेरिका को प्रतिबद्ध करता है। सीनेटर हेगर्टी ने कहा, ऐसे समय में जब चीन मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए गंभीर खतरे पैदा करने जारी रखे हुए हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कि वह इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक भागीदारों विशेष रूप से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। उन्होंने कहा कि यह द्विदलीय प्रस्ताव भारत के अभिन्न अंग के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य को असमान रूप से मान्यता देने के लिए सीनेट के समर्थन को व्यक्त करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रात्मकता की निंदा करता है और मुक्त और खुले भारत प्रशांत के समर्थन में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी और क्वाड को और बढ़ाता है। यह संकल्प इस बात की पुष्टि करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है और पीआरसी के दावों को नकाराता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका क्षेत्र है।